Hello my dear students, welcome to Bright Academy's online classes, and today we learn the first chapter of moral value, and that is the God, the great savior. The great savior means jo bachane wala, theek hai. God is the creator of everything. He has created us. God is our father. He always looks after his children. Even you do not remember him. He is still with you. If you trust him, he will never let you down. There are so many incidents where God has saved his devotees. You know na ki God ne puri world banayi hai. God is creator of everything. God har cheez ke creator hai. ठीक है, गॉड ने इंसान तक को बनाया. गॉड इज़ आर फादर, और गॉड अपने बच्चों को देखते हैं हमेशा. इवन यू डू नॉट रिमेम्बर हिम, जब हम उनको याद भी नहीं करते हैं उस टाइम भी गॉड हमारे साथ रहते हैं. ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जब गॉड ने अपने डिवोटीज़ की, अपने भक्तों की हेल्प की और उनको प्रॉब्लम से बचाया है. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द डिवोटी प्रहलाद? He was an ardent admirer of God. He was the son of Hiranyakashyap, the king of demons. Hiranyakashyap hated his son for bowing in front of Lord Vishnu and praying to him. He tried to dissuade him. Hiranyakashyap decided to kill Prahlad. एक बॉय था जिसका नाम प्रहलाद था. वो डिवोटी था, मीन्स भक्त था, बहुत ही गॉड का बहुत ही परम भक्त, मीन्स गॉड पे इतना उसको ट्रस्ट था, बहुत ट्रस्ट था. ठीक है, और उसके फादर जो थे उनका नाम हिरण्यकश्यप था, जो किंग्स ऑफ डेमॉन्स थे, मींस भूतों के राजा थे. ठीक है, भूतों के राजा थे, और उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि प्रहलाद लॉर्ड विष्णु की प्रेयर करता है और उनको इतना मानता है, उन पर इतना ट्रस्ट करता है. इसलिए हिरण्यकश्यप ने इसको बहुत, प्रहलाद को बहुत कोशिश किया भटकाने की, कि मतलब ये लॉर्ड विष्णु को ना माने, उनकी प्रेयर ना करे. बट प्रहलाद ने उनकी नहीं सुनी, और एक दिन ऐसा आया कि हिरण्यकश्यप को डिसाइड करना पड़ा, एक फैसला लिया कि अब वो इसको, प्रहलाद को मार देगा. देन हिरण्यकश्यप थ्रू प्रहलाद फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन, बट ही रोल डाउन माउंटेन एंड सेफली and the mountain and safely escaped unhurt. The demon king then sent a mad elephant, but it lifted Prahlad gently and put him on his back. Prahlad was then thrown into the ocean, but the waves brought him safely to the shore. He was even given poisonous sweets, but there was no effect on him. Poisonous snakes were also sent to him, but these could not affect him. So हिरण्यकश्यप ने बहुत सी कोशिश की कि वो प्रहलाद को मार दे. उसने पहले उसे माउंटेन से फेंक दिया, फिर भी ने प्रहलाद बच गया. फिर इसने अपना मैड एलिफेंट भेजा कि वो उसको मार के गिरा दे, मार दे. बट मैड एलिफेंट भी जो था, उसने भी प्रहलाद की हेल्प की. ठीक है, फिर हिरण्यकश्यप ने ओशंस में फेंका, फिर ओशंस ने भी हेल्प की. ओशंस की जितनी भी वेव्स थी, जितनी भी लहरें थी, वो प्रहलाद को शोर में, मींस साइड ऑफ द ओशन के किनारे पे उसको ला कर छोड़ दी, सेफली वहाँ पर छोड़ दी. और फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने इसको पॉइजनस स्वीट, जहरीली मिठाई दी, और फिर उसने स्नैक्स भी सेंड किए, बट कोई भी चीज़ का असर, इफ़ेक्ट इन पे, प्रहलाद पे नहीं हो रहा था. लास्ट द डेमॉन किंग्स सिस्टर होलिका हैड अ बोन दैट शी वुड नॉट गेट बर्नड इन फायर. शी हैड अ शॉल दैट कुड नॉट बर्न हर इफ शी हैड कवर्ड हर बॉडी विथ दैट शॉल. होलिका सैट इन फायर विथ प्रहलाद ऑन हर लैप, बट गॉड वॉज अगेन देयर, वॉज देयर विथ प्रहलाद. A strong wind snatched the shawl from Holika and it made the body of Prahlad completely covered with the shawl. As a result, Holika was burnt to death, but Prahlad came out of the fire safely. Then at last, हिरण्यकश्यप ने अपने सिस्टर के साथ प्लान बनाया जिसका नाम था होलिका. होलिका के पास एक बूंद था, मीन्स एक वरदान था
कि उसके पास एक शॉल था, वो शॉल अगर वो पहन कर कहीं आग फायर में बैठे तो उससे जल नहीं सकती, ठीक है। तो उसने एक प्लान बनाया कि उसने प्रहलाद को अपने लैप अपने गोद पे बैठाया सॉरी, और उसने अपने आप को शॉल से होलिका ने कवर कर लिया और फायर में बैठ गई। बट गॉड अगेन देयर विथ प्रहलाद, गॉड यहाँ पर भी प्रहलाद के साथ थे। उन्होंने एक स्ट्रांग विंड स्नैच की, एक वहाँ पे स्ट्रांग विंड, एक तेज़ हवा चली जो शॉल था होलिका की बॉडी से ये हटकर वो प्रहलाद की बॉडी पे जाकर गिरा और उस प्रहलाद की बॉडी को कवर कर लिया, और एज अ रिजल्ट होलिका वॉज बर्न्ड, होलिका जल गई, उसकी डेथ हो गई और प्रहलाद वॉज सेफ। ओके सो क्लास टुडे दैट्स इट, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस स्टोरी एंड डू वी विल डू सम इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज।